ओके सो ब्लॉग्स देखते हैं सबके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे सर आपका कहाँ तक पहुँचे, कैसे लगा क्लास में ना? सर 78% पे पहुंच गया सर। लिंक एम्बेड करना है उसके अंदर बस। ओके सो अनिला आपका 61 पे है, 75 पे है वसीम का। बाकी कैसे आपका दूसरा ब्लॉक भी 58 पे है, उसको भी आपने करेक्ट करना है। जी जी ओके सर, वो मैं देख रहा हूँ सो सर। जैनब का मैं देखूँ जरा, जैनब का 78 है। थ्री है। ओके सो अब किसका रह गया है? ऑफ पे जैसे हो स्टार्ट कर दें। हाँ जी बिल्कुल कर दें। यार हमकुलिल्लाह। ओके सो अभी किस कौन कौन रह गया है? मेरे सब हो गए हैं। अनिला रह गई है एंड वसीम रह गया। अच्छा कल किसने ब्लॉग पोस्ट किया था, उसकी फीचर इमेज नहीं लगाई थी, वो किसका अलीना ब्लॉग रहती हैं, था? उनका मैसेज आया था कि उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। इन्ना मेरा लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा उजाला आपने फीचर इमेज ये लगाई हुई है जिसका जो है ना फॉर्मेट ठीक नहीं है, इसको ठीक करो ज़रा। और शहजाद क्लास में है? जी सर, शहजाद आपने फीचर इमेज नहीं लगाई? लगाइए सर, ओवर फंडेड हॉल लाइफ इंश्योरेंस की लगाइए सर। नहीं लगी हुई, चेक करो ज़रा। चलो चेक करता हूँ सर। ठीक है, इसको आपने फीचर इमेज जी लगा सर, लेना है ओवर फंडेड लाइफ जी इंश्योरेंस सर, के अंदर, स्कोर पूरा है, जस्ट फीचर इमेज रह गई है ओके सर, चेक करता हूँ इसके अंदर, चेक कर लेते हैं। सर। मेरा ये फीचर इमेज वर्ड रह गई लॉगिन है। हो रहा है। फीचर इमेज कौन सी है इसकी फीचर इमेज? ये बोले यस जी सर, मेरा 83 हो गया। आप इसको देखें, मैं इसको पोस्ट कर दूं। 83 हो गया, पोस्ट कर दो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जला क्लास में ही हो? जला क्लास में ही है? जी जी सर, हूँ। अच्छा ये आपने ब्लॉग लिखा है कल, ये क्या है? सर एक मिनट में देखती हूँ, और ये ये अलग डबल है कोट्स नहीं मेरे। आने चाहिए आपके, अच्छा ठीक है इनको सही, आप ज़रा ठीक करो। कौन सा वाला? के अच्छा ये सही सही, मैं समझ ठीक गई है पेड ये जी। अनविलिंग आईटी जेनेसिस, आईटी इन जेनेसिस, इसको और इसकी फीचर इमेज ठीक करो ज़रा। पावर ऑफ स्टार्टअप एडजेक्टिव्स, ये मैं ब्लॉग देखूँ ज़रा पूरा, फीचर इमेजेस की जो है ना वो ठीक नहीं है। मैंने कहा था फीचर इमेज जी आपकी इस पोर्ट्रेट में नहीं होनी चाहिए, रेक्टेंगल में होनी चाहिए, डिस्प्ले साइज के अंदर। फीचर इमेजेस सर, चेंज कर लो आप इस तरह से, सही है। ये ये लाइंस जो है ये ऑटोमेटिकली आई है, इसमें ये सब मिटानी है दोबारा? लाइन ऑटोमेटिकली तो नहीं आई हुई, चेक करो ज़रा। सर वर्डप्रेस पे मैंने पहले इसको पेस्ट किया था, फिर मैंने इसको वहां से स्क्रीन राइटर से करा था, तो उसमें नहीं थी ये उस वक्त, मैं देखता हूँ जरा, और ये मैंने नोट भी नहीं करी कि ये बाद में आ गई। बाद में नहीं आती लाइंस, ये जो ऊपर लाइन है ना ये एज इट इज आपने डाल दी है, इसको रिमूव कर दो। मैं कर रहा हूँ, ये देख रहे हो ये लाइंस आई हुई हैं।
ओके जी, सो ये नहीं आनी चाहिए लाइंस आपकी। इसकी सर एंड इसकी फीचर इमेज सही है, दूसरी वाली की चेंज करनी फीचर है। इमेजेस की भी स्क्वायर में है। मैंने कहा था आपने स्क्वायर में इमेजेस नहीं लिखनी, आपने डिस्प्ले साइज में लेनी है इमेजेस, रेक्टेंगल में होनी चाहिए आपकी इमेजेस। सर नहीं, इसकी तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट करी है मैंने। नहीं भाई ये स्क्वायर में है, ये देखो। यहाँ पे स्क्वायर में सर फीचर में जो डाली है ना वो रेक्टेंगल में डाली है। फीचर में तो डालनी है ना रेक्टेंगल, इसको तो स्क्वायर करना है ना, रेक्टेंगल में डालनी है आपने। कोई स्क्वायर इमेजेस नहीं रखते ब्लॉक्स के अंदर, डिस्प्ले साइज की इमेजेस होनी चाहिए। और ये सारे आपने ना ये रिमूव कर देने हैं, ठीक है। ठीक है जी, ओके सो आज मैं आपको जो है ना वो एक प्रॉम्प्ट बताता हूँ, निकल मैंने जो है ना कंप्लीट किया प्रॉम्प्ट। सो इसके थ्रू आपका तो एक काम आसान हो जाएगा, लेकिन पहले ब्लॉक्स लिख के फिर इसके बारे में। एक ये प्रॉम्प्ट है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। जी सर। ओके सो ये एक प्रॉम्प्ट है, ये सबने लिख लेनी है। आप जो नेक्स्ट ब्लॉग लिखना है ना आपने इसके ऊपर लिखना है। ओके सो वेयर इज अ प्रॉम्प्ट, स्क्रॉल डाउन एंड यहीं पे है ये। ये एक प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी करके आपको जो है ना इधर दे देता हूँ, आप यहाँ से कॉपी कर लेना। मैसेज के अंदर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ग्रुप में डाल देते ना उधर भाई। ये मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। ग्रुप में मैं ऐड कर दूँ? चलो ग्रुप में कर देता हूँ थोड़ी देर तक, अभी कर देता हूँ। अभी आया तो वहाँ ग्रुप, ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, ओके सर मैं आपको ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज जैसा से मैं एक वर्ड के ऊपर, आज एक कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिख रहा था। तो कल मैं ये रिसर्च कर रहा था कौन कौन सी जगह से ना आपको GPT-4 की सर्विस फ्री मिल जाती है। कोपायलट से ले सकते हो, और उसके अलावा ये माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है, इसके थ्रू आप इमेज भी डिज़ाइन करो, लेकिन इतना एफिशिएंट मुझे नहीं लगा है इसका इमेज क्रिएटर। हाँ इसका जो GPT-4 है ये कोपायलट का, ये अच्छा है, ये अच्छा लिख देता है। लेकिन अप्रोक्स चैट जीपीटी का जो है ना वो थोड़ा सा ये कह सकते हो कि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगे चैट जीपीटी का, GPT-4 एज़ कम्पेयर टू कोपायलट। सो ये है बेसिकली आपकी प्रॉम्प्ट। आपने करना है ऐड न्यू चैट। ऐड न्यू चैट में प्रॉम्प्ट बेसिकली एक बार सारे पढ़ लो मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा क्या हुआ है। राइट एन आर्टिकल, मार्क डाउन द फॉर्मेटिंग डैट ऑप्टिमाइज इनफ टू रैंक इन गूगल। द टॉपिक ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का टॉपिक आपने यहाँ पे लिखना है डबल कोट्स के अंदर। राइट इन कन्वर्जेशन टोन एंड इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है, सिंपल इंग्लिश स्टाइल। एंड आगे जो है ना यूज़ एक्टिव वर्ड्स, डैगिंग मॉडिफायर्स एंड विद विदाउट मेंशन मॉडिफायर्स, विदाउट लिखना था सॉरी विद लिख दिया है, विदाउट मेंशन देम एंड राइट ओवर द 2000 वर्ड्स। यूज़ क्रिएटिव टाइटल्स फॉर द ब्लॉग व एड टाइटल फॉर ईच सेक्शन एंड इंश्योर देयर द मिनिमम ऑफ 10 सेक्शन। बाकी वही है कमांड, एंड से मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको यहाँ पे के डू इंटरनल लिंक्स इन द कॉन्टेंट यूजिंग द की वर्ड्स। इसके नीचे भी मैंने एक इंटरनल लिंक डाला क्योंकि मुझे एक ही ब्लॉग मिला था क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि ये मेरा फोकस की। आपको करना है यहाँ पे 3 से 4 इंटरनल लिंक्स डाल देने इस तरह। इंटरनल लिंक्स किस तरह से डालने हैं ये, अब लेट्स सपोज कोई बंदा इंश्योरेंस के ऊपर लिख रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंश्योरेंस के अंदर जाना है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर हो तो लाइफ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से जाके आपने जो है ना इनका ये को टाइटल कॉपी कर लेना है, 4 से 5 ये कॉपी करके, और नीचे उनके लिंक दे देने हैं लाइक दिस। ये टाइटल कॉपी करना है और इसका जो यहाँ से लिंक भी कॉपी कर लेना है, और चैट जीपीटी में जाके आपने इस तरह से देने हैं, ये ऊपर टाइटल नीचे उसका लिंक, फिर नीचे 2 3 4 इस तरह। तो आपका जो कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, जो चैट जीपीटी जनरेट करेगा कॉन्टेंट उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली आप के इनबिल्ट कीवर्ड जो है ना जो लगा होगा उसका, आपका ये इंटरनेट उसके ऊपर लिंक खुद ही लगा देगा। उससे क्या होगा कि एक तो जो है ना आपका कॉन्टेक्ट अच्छा हो जाएगा, उसके अलावा जो है ना आपका इंटरनल लिंक का मसला नहीं होगा कि मैं इंटरनल लिंक कहाँ पे लगाऊँ। अब लेट्स सपोज जैसा से एक लिख रहा है, ठीक है, तो इसने अभी नहीं लगाया तो मैं इसको दोबारा कहूँगा, क्योंकि एक दफ़ा में ये बिल्कुल बात नहीं मानता। दोबारा एक मैंने इसको कहा था, फिर इसने लगा के दिया था। ऐड इंटरनल लिंक मैंने इसको कहा था, ऐड सर ये दोबारा बताएंगे, दोबारा कहाँ से इंटरनेट लिंक करना है? एक मिनट।
मतलब गूगल पे। ओके सो ये देख रहा हूँ ना, ऐड इंटरनल लिंक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसने ना इंटरनल लिंक लगा देगा। मतलब देखो हूँ कहाँ पे लगा रहा है, ये देख रहे हो द न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर उसने ऑटोमेटिकली लिंक लगा दिया, देख रहे हो। यस अगर मैं 3-4 इंटरनल लिंक्स देता ना, तो इसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर एम्बेड कर देना था। मैं उसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी कर लेना एंड कंट्रोल सी, लेकिन ये तो इसने एक्सटर्नल लगाया है ना, इंटरनल तो नहीं लगाया। इंटरनल लगा दिया होगा, देख लेते हैं अभी हम कि इंटरनल लगाया कि इसने एक्सटर्नल लगाया। इंटरनल लगाया है, वो देखो लिंक कौन सा आ रहा है। ठीक 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 है, उसने आपका ब्लॉग ऑटोमेटिकली पढ़ के उसके ऊपर जो चीज़ मेंशन थी उसने इसका इंटरनल लिखा। अब मेन जो बड़ी एग्जांपल है वो इसकी ये है कि आप लेट्स सपोज मैं इंश्योरेंस के ऊपर अभी आपके सामने रन टाइम पे कीवर्ड सर्च करता हूँ और उसके ऊपर ही ब्लॉग लिखता हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस के ना ज़्यादा ब्लॉग लिखे हुए, इंटरनल लिंक उसके ना ज़्यादा हैं। तो मैं क्या करूँगा कि SEMrush ओपन कर लेते हैं, टूल्स बाय SEMrush ओपन करने के बाद सिंपल लॉग इन। अच्छा ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आपके इंटरनल लिंक आपके कीवर्ड्स के ऊपर ही लगे हो ना, तो वो बहुत एफिशिएंट माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द गूगल। ओके SEMrush में जाते हैं, SEMrush में जाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेता हूँ SEMrush का, एंड फर्दर वी विल गो फॉर कीवर्ड मैजिक टूल्स। ओके तो मैं यहाँ से इसको फिल्टर आउट कर लेता हूँ। फिल्टर आउट करने के बाद आपको मैंने यहाँ से KD कर लेनी है। KD मैंने जो मैक्स होनी चाहिए इसकी 20 होनी चाहिए। 20 होने के बाद मैंने एडवांस फिल्टर्स में जाके मैंने इसका जो कीवर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन कोई 4 वर्ड्स का होना चाहिए। एंटर एंटर करने के बाद मेरे पास कुछ रिफाइन लिस्ट आगे भी है, ठीक है। जैसा जुपिटर इंश्योरेंस के ऊपर किसी ने लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा हुआ, चेक कर लेते हैं। अच्छा वो कीवर्ड जो किसी को किसने पहले लिखा हुआ उसके ऊपर आपने दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। वो कैसे चेक कर सकते हो, आपने पोस्ट में चले जाना है, आपके पास पोस्टिंग में सारे आ रहा होगा कीवर्ड। यहाँ पे आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो तो वो आपको मिल जाएगा। ओके सर जुपिटर इंश्योरेंस के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ, मैंने ही लिखा था ब्लॉग 2023 में, तो मैं इसके ऊपर नहीं ये कीवर्ड नहीं लूँगा मैं, ठीक है। और एजेंसी रेजिडेंट इंश्योर और विदाउट इंश्योरेंस का भी लिखा हुआ है, बेयर रिवर इंश्योरेंस इसके ऊपर लिखा हुआ मैंने ब्लॉग। नहीं लिखा हुआ कीवर्ड वेरियबल इंश्योरेंस के ऊपर नहीं लिखा, तो हम वेरियबल इंश्योरेंस के ऊपर ब्लॉक लिख लेते हैं। ओके सो प्रॉम्प्ट वही रहेगी, जस्ट आपने क्या करना है, आप देखो ना, ये देखो राइट एन आर्टिकल अबाउट ट्रेंड, यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड एंटर करना है, ठीक है, वेरियबल इंश्योरेंस, ठीक है। अब हम जाके गूगल के ऊपर आपने सिर्फ कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करना, मैंने इसको जो है ना कीवर्ड को चेक करना है। मैं इस कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, ओवरव्यू चेक करूँगा, ओवरव्यू में मैं इसके ना क्वेश्चन आंसरिंग देखूँगा, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है उसको भी मैंने हाईलाइट करना है। 3000 का वॉल्यूम है ग्लोबली, एंड इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना कोई वेबसाइट रैंक कर रही हैं, वेरियबल म्यूचुअल इंश्योरेंस SERP के ऊपर तकरीबन कितना रिजल्ट है, 81 मिलियन रिजल्ट है, तो मैं इस कीवर्ड को नहीं लूँगा, चांसेस ही नहीं है इस कीवर्ड के। अच्छा किसी के पास अगर ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा तो आपने ये भी चेक करना है कि इसके ऊपर रिजल्ट्स कितना, कोशिश करना वो कीवर्ड देखो जिसके ऊपर रिजल्ट्स कम से कम है। वो किस तरह से, आपने रिजल्ट्स पे क्लिक कर लेना है, रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपने उसको फ़िल्टर आउट कर लेना। मैं तो कोशिश वो करता हूँ कि वो कीवर्ड लूँ जिसके ऊपर 0 रिजल्ट हो,
अब ये देखो, ये मुझे उसने वो कीवर्ड्स दे दिए हैं जिसके ऊपर जीरो रिजल्ट्स हैं, देख रहे हो? ठीक है, अब ये अमेरिकन हॉल्ट एंड इंश्योरेंस, मैं इसके ऊपर देखता हूँ कि इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने क्या नहीं लिखा हुआ है। अमेरिकन हॉटलैंड इंश्योरेंस के ऊपर मैंने लिखा, मैं कीवर्ड ओवरव्यू में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ इस कीवर्ड को, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना वो ओवरव्यू के अंदर। 1.7 के का ग्लोबल वॉल्यूम है, ठीक है, जीरो रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत कम है, देख रहे हो? इसका मतलब इसके ऊपर मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ, ठीक है। वो कीवर्ड सेलेक्ट करो जिसके अंदर आप इजीली रैंक कर। अब इसके अंदर को ये कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी हैं, इनको भी आप ले सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से आपने इनको इम्बेड करना है अपने कीवर्ड के अंदर, क्योंकि इनके ऊपर भी ट्रैफिक आ रही है, इसके ऊपर भी है ट्रैफिक, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, और इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉम्पैक्ट रिजल्ट बनाऊँगा कि कमांड इस तरह से देनी है कि बिलेवर इंश्योरेंस, एंड इसके अंदर अगर हम टाइटल अगर रखना चाहें तो टाइटल सजेस्टेड में तो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है इस वजह से टाइटल मुझे देखने में मुश्किल हो रहा है, तो टाइटल रहने देंगे, टाइटल चैट जीपीटी के ऊपर छोड़ देंगे, और यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड लिख लूँगा अमेरिकन होल्डिंग इंश्योरेंस, एंड यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड एंटर करना है। कीवर्ड एंटर करने के बाद मैंने और कहाँ पे करना है, यहाँ पे इंक्लूड द रिलेटेड कीवर्ड्स, एक ये कीवर्ड ऐड कर लेना है, ठीक है। ये कीवर्ड ऐड करने के बाद मैंने कोमा कोमा देना, और आपने ये फर्दर कीवर्ड्स भी एंटर करने हैं। हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है, अमेरिकन हार्ट एंड इंश्योरेंस, तो हम मैंने ये देखा है कि अमेरिकन हार्ट एंड इंश्योरेंस तो सब में है, लेकिन आगे जो है ना वो उनके फर्दर भी कीवर्ड्स नहीं करें, तो इनको कहते हैं आपके LIC कीवर्ड्स। LIC कीवर्ड्स हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट समझ में आ रही है ना सबको कि नहीं, हाँ जी आ रही है के ऊपर जी से सर, गुजर रही है? आ रही ऊपर से तो नहीं ना गुजर रही? नहीं सर, नहीं नहीं सर, ठीक है जी। नो सर, ओके। सो यहाँ पे अगर हम जाएं, हाँ और ये भी कीवर्ड हम एटलीस्ट हम 4 LIC कीवर्ड्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। अब मैंने इंटरनल लिंक्स देखा यहाँ पे दिए हुए, इसकी जगह मैंने क्या देना है, ये चीज़ अपने गौर से देखनी है। मैंने अपने जो है ना वो इंश्योरेंस में जाना है, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट के अंदर यहाँ पे इंश्योरेंस है, और यहाँ पे मैंने 3 से 4 रेलिवेंट इंश्योरेंस ले लेने हैं। अब जैसा से अब मैं चेक करूँगा कि इसके ऊपर जो है ना अमेरिकन हॉटलैंड इंश्योरेंस, एक बार गूगल पे भी सर्च करूँगा, या यहाँ से भी SERP, यहाँ से भी आप देख सकते हो, व्यू SERP पे क्लिक करोगे तो ये आपको US का रिजल्ट दिखा देगा। ये देखो, ओके। सो इसके अंदर जो हमें नज़र आ रहा है विद प्रॉप एंड इंश्योरेंस, ठीक है, तो पर्सनल इंश्योरेंस भी है इसके अंदर, और हम इसके अंदर हमने LIC कीवर्ड्स जो एंटर किए हैं वो किए हैं रिलेटेड टू द इंश्योरेंस क्लेम ऑटो इंश्योरेंस, तो हम उसको कहते हैं कि हमें ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस LIC कीवर्ड्स में आ रहा है ना इसका हाईलाइटेड, अलग है ये लाइफ दूसरे इंश्योरेंस भी दे रहा है, क्योंकि लोग इस टाइम ऑटो इंश्योरेंस को भी सर्च कर रहे हैं, तो हम इसको जो कीवर्ड है टॉपिक है तो यहाँ पे हम दे देंगे टॉपिक आर्टिकल ऑन अमेरिकन हार्टलैंड इंश्योरेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑटो इंश्योरेंस। ये चीज़ समझ आई? नहीं आई जी सर, सर, दोबारा नहीं बताएं। सही आई। अब ये जो है ना ये जेनेरिक कीवर्ड है अमेरिकन हार्टलैंड इंश्योरेंस, ठीक है। मैंने लास्ट एक फिनटेक जूम के लाइफ इंश्योरेंस लिखा था, वो भी कंपनी थी, लेकिन मुझे उसके ऊपर भी अच्छा सर्च रिजल्ट मिल गया था। अब ये जो कंपनी है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसा SERP में मैं देखूँ ये, ठीक है।
एंड अगर मैं देखूँ इसके अंदर जो है ना कीवर्ड सर्च किया जा रहा है ज़्यादातर कौन सा, अमेरिकन हॉटलैंड ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसको कहूँगा कि ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर लिख दे, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इसको फॉरगेट करो, रहने दो इसको, छोड़ो इसको, रहने दो, खाली इंश्योरेंस के ऊपर ही लिख दो, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक के अंदर आपने ये समझ लो, अब इंटरनल लिंक के अंदर आपने क्या करना है, आपने जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं ये, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, तो आपने तीन से चार लाइफ इंश्योरेंस ले लेने हैं, जिस तरह से मैं रेलिवेंट टू द लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं लूँगा इसके अंदर, इसके अंदर मैं लूँगा ज़्यादातर ये इंश्योरेंस फॉर ऑटो इंश्योरेंस में ले लूँगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करूँगा टाइटल कंट्रोल सी, और यहाँ पे एम्बेड कर दूँगा, और नीचे इसका लिंक दे दूँगा, लिंक कैसे लेना, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना, तो मेरे पास लिंक आ जाएगा इसका, ओहो लिंक नहीं आएगा, सॉरी लिंक कॉपी करना है, कॉपी लिंक, कॉपी लिंक हो गया, एंड द सेकंड वन इज ये, इसको कर देना यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे, एंड फर्दर इसको कर देना यहाँ से लिंक कॉपी, मैंने चार पांच लिंक दे देने उसको, वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर लेगा कि मैंने कौन सा इंटरनल लिंक देना है कौन सा नहीं देना, इस तरह से एक ही है, कोट्स कोट्स रहने दो, ये कार इंश्योरेंस कंट्रोल सी एंड कॉपी लिंक एड्रेस, ये चीज़ समझ आई है आपको क्या, नहीं प्रॉम्प्ट एक बार आपने देख लेनी है, मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा आपके, ये सेम टू सेम ये सारी मैं कॉपी पेस्ट करके ना आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, तो आके एक बार आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक सर, ठीक है सर, ये प्रॉम्प्ट यूज करोगे ना तो एक अच्छा रिजल्ट नजर आता है, एंटर कर देना, एंटर, सॉरी सेव एंड सबमिट, अब वो मुझे इसके ऊपर जो है ना ऑटोमेटिकली एक इंश्योरेंस का पूरा ब्लॉक लिख के दे देगा, अगर इंटरनल लिंक वो ऐड नहीं करता तो मैं उसको कहूँगा कि इंटरनल लिंक भी आप ऐड करो, वो चैट जीपीटी 4 में वो क्लेवर होता है, अच्छा आपको पता है चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी 4 में क्या डिफरेंस है, चैट जीपीटी 4 जो है वो ज़्यादा क्लेवर है, वो चीज़ों को जल्दी समझता है, 3.5 इतनी जल्दी नहीं समझता, इसको मैं कहूँगा डू ऐड इंटरनल लिंक्स, तो वो इसके अंदर ही आपको देखो ना उसने अमेरिकन हार्ट एंड इंश्योरेंस, अब ये जो है ना ये इस ये कौन सा लिंक लगाया पता है, जिसके ऊपर ब्लॉग लिखा जाएगा वही इसने इसके ऊपर ही कीवर्ड के ऊपर ये ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर भी इसने लिंक लगा दिया। सर ये चैट जीपीटी 4 हम कैसे बाय कर सकते हैं और इसकी क्या पेमेंट है? नहीं कर रहा मैं 3.5 यूज कर रहा फोर यूज नहीं कर रहा मैं अभी मैंने फोर यूज करने के लिए मैंने जो है ना वो दो वेबसाइट को वॉलेट आपको 4 दे देता है ये भी दे देता है 4 अगर आप यहाँ पे जाएं ओके सो मैंने ये नहीं करना है कॉपी को वॉलेट में चैट जीपीटी 4 ऑलरेडी है जीपीटी 4 जिसको हम कहते हैं सेम अगर मैं कमांड लिखूं को वॉलेट के अंदर तो को वॉलेट भी आपको सेम टू सेम रिजल्ट दे देगा सर को वॉलेट का फ्री है चैट जीपीटी 4 इस पे वो चैट जीपीटी 4 ही चलता है नो देखो फ्री है ना यूज के लिए ये फ्री है लेकिन ये क्लेवर नहीं है इतना हाँ मैंने ये चीज़ चेक की है को पायलट से अगर मैं देखूँ ना तो इसके ऊपर आपका ना एआई कंटेंट डिटेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता कम होता है इसके ऊपर लेकिन चैट जीपीटी 4 पे ज़्यादा होता है एआई डिटेक्शन लेकिन ना ये आधा रिजल्ट लेके देता है सर आधा पैसे लेके देगा ना नहीं इसके प्राइसेस चार्ज से मैंने देखा कि ये प्राइस चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा देखा आधा रिजल्ट लेके देता हमें अस्सलाम सर वालेकुम सलाम सर मैंने एक ब्लॉग लिखा था तो काइंडली आप चेक कर लेंगे अभी मैं चेक कर लेता
और सर वो SEO कीवर्ड क्या होता है सर, वो भी बताइएगा सर। SEO कीवर्ड वो अभी ना उसके लिए थोड़ा सा एक एरर आ रहा था, वो जो हमने SEO की थी ना ब्लॉग की, वो कहता है SEO कीवर्ड के अंदर ना नंबर नहीं ऐड। नंबर नहीं ऐड जी सर, ब्लॉग के अंदर ना वो जो एरर दे रहा है ना नीचे, जैसे हम लोग साइड में एरर आ रहे होते हैं कि भाई ये इसमें सोल्यूशन इसका, मतलब इसको बेहतर कर, उसके अंदर वो बता रहा था कि SEO कीवर्ड के अंदर नंबर नहीं ऐड, टाइटल के अंदर नंबर नहीं ऐड, ये कह रहा होगा। टाइटल के अंदर तो मैंने डाला है सर 2024। कैसर बात कर रहे हो ना? जी जी कैसर बात कर रहा हूं। बेसिकली मैंने ना स्क्रीन ऑफ की होती है, वो मैं इस टाइम दूसरी स्क्रीन पे होता हूं। ओके सो कौन सा ब्लॉग है सर ये जिसका 83% स्कोर आ रहा है? सर मैंने इससे नीचे वाले। ओके मैं चेक कर लेता हूं ऐसे। ओके सो क्या कह रहा है ये? एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर, ठीक है। फिर सेम इशू मुझे भी आ रहा है ये वाला ना। बाज़ का आदेश से जो है ना वो आपका ये एडिट स्नैपेट में जाके जो है ना हो जाएगा क्लियर, वहां पे इन्होंने मेंशन नहीं किया होगा। हां ये कौन कर रहा है मुझे ये बताओ, ऐसे कौन लिख रहा है सर? कैसे टाइटल में ऐसे कौन लिख रहा है? कोई बंदा कौन लिख रहा है ऐसे टाइटल? आपका टाइटल ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है सर? नहीं हो रहा था फैक्ट सर, इसमें इसमें ना वो जस्ट नंबरिंग और वो परसेंटेज वो वर्ड लिखे हुए आ रहे थे ऑटो, ऑटोमेटिकली फेच हो जाता आपका परसेंटेज टाइटल। ये देखो हो गया फेच आपका ऑटोमेटिकली, जब बनाते हो ना तो ये आ रहा होता है परसेंटेज टाइटल। परसेंटेज टाइटल देन अगेन परसेंटेज, ठीक है ये चीज समझ आई? जी सर। जब आप ये लिखोगे ना तभी आपका ये देखो ना सारी चीजें क्लियर होगी। जी जी सर थैंक यू। ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं डाला सर, टेबल ऑफ कंटेंट सर वो भी अलग से लिखवाना पड़ेगा सर। ने क्या लिखना है? न्यू ब्लॉग एंटर करना है, इधर लिखना है स्लैश टेबल, ये आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट बाय मैथ रैंक। तीन हेडिंग्स हैं सर। सर ये क्या कर रहे हो सर? तीन हेडिंग तो नहीं है सर, देखे नीचे कितनी सारी हेडिंग है सर। वो आपकी मार्क नहीं हुई हुई हेडिंग सर, यही तो मैं आपसे तीन दिन से पूछ रहा हूँ कि ना वो मैं अलग से एक एक को पेस्ट करना पड़ेगा ये तो फिर से दोबारा। देखो ना पता नहीं, एक्स्ट्रा स्पेसेस भी नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेसेस अवॉइड करें। Using analytics of entries. आपने जो है ना हेडिंग टैग ये यूज नहीं करना, ये यूज करना है ये वाला। ओके ओके सर इसको, ये आपका जो है ना ये वाला हेडिंग टैग नहीं है, ये हेडिंग टैग है ये वाला। इसमें दो तरह के हेडिंग टैग्स आते हैं, एक ये वाला, वो आपका ना स्टिल पैराग्राफ ही गिन रहा है, ये देख रहे हो? जी जी सर। हेडिंग टैग आपका होना चाहिए, ये हेडिंग टैग ही है, ये हेडिंग टैग नहीं है। जहाँ पे ये वाला एच आ रहा है ना वो अजी टैग नहीं है, जहाँ पे आपका ये वाला आ रहा है ना टैग वो आपका ऑटोमेटिकली हेडिंग टैग ही है। ठीक
इसको ठीक करके आपने हेडिंग पे कनेक्ट कर लेना, ये ऑटोमेटिकली हेडिंग है, ये भी हेडिंग है एंड ये भी हेडिंग है बोल्ड रहने दो। अब बन गया टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट मैंने आपको कोशिश करनी है कि ना मैं आपको हायरार्की बताऊं H1 H2 H3 इसको किस तरीके से जो है ना फॉर्मेट किया जाता आपके कांटेक्ट के अंदर। प्रॉम्प्ट आजकल मैं प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हम जो है ना प्रॉम्प्ट के थ्रू ही हो। अब ये देखो उसने इंटरनल लिंक ऐड कर दी है, ये इसको सर मेरा भी चेक कर लो। अच्छा चेक कर लेना फिर इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ जी सर, मैं दूसरे वाले पे सर चीज़ें ऐड कर देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। ओके गुड। ओके सो अच्छा आपका कहाँ पे है? नीचे वाला ये ऐसे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं लिखते होते, मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी जस्ट उधर ही आनी होती है। सर मैंने ये पढ़ रहा था ना तो उसमें यही लिखा हुआ था कि आप टेबल ऑफ कंटेंट से पहले जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते। मेटा डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपकी स्नाइपर में आती है, यहाँ पे, यहाँ, क्योंकि हम प्लगइन के थ्रू ऐड करवा रहे हैं इसको। ठीक है सर, बाकी ये जबरदस्त है, अच्छा बनाया आपने, ये भी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एसन। इमेजेस अच्छी यूज की है, कॉपीराइटेड तो नहीं है, खुद बनाई हुई है ना? यस सर, ये खुद बनाई है हमने। फिर ठीक है, बाकी गुड गुड वेरी गुड। एंड द क्लॉज ऑफ यहां पे आपने जो है ना एरर स्नाइपर पे, ओके सो स्कोर कितना है? अच्छा सर ये चीज़ देख लीजिए, इसमें तो खैर हम जब नंबर ऐड कर रहे थे ना 2024 तो ये चीज़ फिर जो है ना रिमूव हो रही थी। ठीक है सर, यहाँ जो लास्ट में आ रहा है ना योर एसईओ टाइटल नंबर आपने लिखा ना इन 20, जी 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 हाँ। अभी देखें अब नहीं आ रहा। अच्छा बाकी ये दो जी फोकस कीवर्ड भी मसला कर रहा था और ये जो है ना ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी मुझे, क्या रिमूव हो गया? फोकस कीवर्ड इज नॉट अपीयरिंग। फोकस कीवर्ड क्या आपका सर? फोकस कीवर्ड मैंने दी, फोकस कीवर्ड दी भी है इसके अंदर जी सर। क्या रिमूव हो रहा है इन 2024 हम लास्ट में लिख देते हैं, इसमें लिख दो या शुरू में लिख दो। ठीक है, बाकी ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी आपकी कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करो। जी सर मैं कर लूंगा। सर नीचे एक और जो एरर आ रहा है, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, इसका क्या मतलब है सर? सर इसका आपने मना कर दिया था तो इसलिए मैंने इसको ना देखो, इसको देखने की जरूरत नहीं है। एआई के थ्रू हम अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं लेकिन जरूरत नहीं है इसको करने की। ओके सर। सर ये सर जो आप टूल यूज कर रहे हैं ये वाला जो मैथमेटिक्स आपने बताया था तो ये पेड मैथ्स रैंक ये पेड है सर? पेड है, मैंने दिया आपको। तो ये तो इस वेबसाइट में दिया हुआ सर? नहीं आपको प्लगइन दिया हुआ, आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक सर। सर बाकी कोई और तो मिस्टेक नहीं है इसमें? नहीं देखो जरा ये क्या कर रहा है एआई टूल। सर मेरे ब्लॉग में प्रॉब्लम आ रही है, ये कह रहा है कि आपके ब्लॉग में कोई टाइटल में ना नंबर नहीं है। हाँ। तो टाइटल में नंबर किस तरह डालें, क्या नंबर डालें? इस तरह 2024 लिख दो। सर 2024 भी करके देखा लेकिन तब भी वो जो है ना एरर ही दे रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा। स्नैपशॉट में होगा ऐसे ही है जी। यहाँ पे लिखो परसेंटेज टाइटल परसेंटेज। अच्छा इस तरह लिखो, इस तरह आपका ना ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है
लेकिन समटाइम्स सर रेड दे रहा होता है, फिर क्या तो करें? रेड रेड इस वजह से दे रहा होता है कि आपका ये जो टाइटल है ना, ये बहुत ज्यादा है वर्ड्स का। तो उस केसेस में क्या करते हैं हम, ये सेपरेटर को और साइड नेम को इसको हटा देते हैं, सिर्फ टाइटल परसेंटेज पे जाते हैं, समझ रहे हो? जी ठीक सर। इस तरह। ओके सो मैं आपको बता रहा था प्रॉम्प्ट के बारे में। अब ये देखो, ये प्रॉम्प्ट के अंदर उसने ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंक्स डाल दिए, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। सर मैंने वो डाल दिया, मेरा तो वही गिर गया। क्या कह रहा है? 46 पर आ गई रैंकिंग। 46 पे आ गई जी, मैं चेक कर लेता हूँ। 83 से इसके 46 ऊपर यहाँ पे इसने इंटरनल लिंक्स डाले हैं, काम करें। इंटरनल लिंक्स ऐड नहीं किए, मैं उसको दोबारा कहता हूँ डू ऐड इंटरनल लिंक्स। सर हो गया सही। कोई बंदा अगर चैट जीपीटी 4 यूज कर रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, चैट जीपीटी 3 में ये एक मसला है। अच्छा सर, इसमें ये कह रहा है पावर वर्ड भी चाहिए एटलीस्ट वन। इसका मैं रैंकिंग तो 84 हो गई दोबारा से, उसको रिफ्रेश किया ना तो 84 तो हो गई। और आप ये न्यू ब्लॉग डाल रहे हैं? हाँ मैं इसके बना अपना इस प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करना बता रहा हूँ जी। सर इसमें FAQs नहीं डालने होते? डालने हैं FAQs भी डालने हैं, वो हम लिखवाते हैं एंड पे। ये देखो ना, अब इसे इंटरनल लिंक डाल दिए, ये देख रहे हो? ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर उसने डाल दिया इंटरनल लिंक, ठीक है? तो इस तरह से आपका इंटरनल लिंक, अभी उसको एक ही समझ आई है, एक ही इंटरनल लिंक, तो उसने एक इंटरनल लिंक डाल दिया। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? और दूसरी मेन चीज़ ये है कि ये जो आपका टाइटल है इसके अंदर भी आपने इंटरनल लिंक डालना है किसका, इसी पेज का। वो मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ, कैसे आफ्टर पब्लिशिंग द इसको ना मैं कल ही रिव्यू करूँगा क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया, ठीक है? अब ये आर्टिकल को जो है ना मैंने लिख तो लिया, मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ। फॉर्मेट करें, फॉर्मेट करने अभी कितने वर्ड्स हैं, 700 वर्ड्स हैं, और इसके बाद मैं इसको कहूँगा ओके। सो अब मैं चेक करता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कितने चल रहे हैं। मैंने देखा है, हाँ ये क्वेश्चन आंसरिंग एट स्पोर्ट्स इसके ऊपर अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है। क्वेश्चन आंसरिंग भी आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे जो मैंने बताया था गूगल पे, और दूसरी यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं रिलेटेड टू द कीवर्ड, वो भी आपने चैट जीपीटी को बताना इसके ऊपर आंसर। अभी कोई क्वेश्चन आंसरिंग नहीं है तो मैं इसको कहूँगा खुद ही FAQ लिखते थे, एड FAQ सेक्शन आल्सो एड इंटरनल लिंक If possible, okay, तो इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना यहां पे, एंड यहां पे जाने के बाद
आपने एंड पे इसको पेस्ट कर देना है। सर पब्लिश करने के बाद ऑथर अकाउंट से हम लोग एडिट कर सकेंगे इसे? हाँ आप एडिट कर सकते हो आप इसको। ओके सर। सो यहाँ पे इसको मैं किधर गया, एडिंग टू, जितने भी हैं इनको मैंने कर देना है एडिंग टू। एक्सटर्नल लिंक तो इसके अंदर मुझे पता कौन सा लगाना है, मैंने इसी कंपनी का लगा देना है, अमेरिकन हार्टलैंड। ठीक है, ये भी हो सर। गया। एक्सटर्नल लिंक लगाने से कोई कॉपीराइट इशू वगैरह इस तरह की चीज़ तो नहीं आती, मतलब कोई नहीं, परेशान तो नहीं, वो मतलब हम क्लेम तो नहीं करते आपने क्यों हमारा ये लिंक एक्सटर्नल लिंक जो होता है ना वो हम आगे किसी के इसकी वो रेकमेंड ही कर रहे होते हैं, तो लोग चाहते हैं उनके एक्सटर्नल लिंक्स आप लगाओ क्योंकि उनको तो बैक लिंक मिल रहा होता है। जी ठीक है, सर ठीक। लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरी एक्सटर्नल लिंक जितने ज़्यादा हो उतना बेनिफिट है। कल मेरा ऑफ पेज एसईओ के ऊपर कंप्लीट डिटेल लेक्चर है, कल का किसी ने मिस नहीं करना क्योंकि मैंने कल डिटेल ऑफ पेज एसईओ के बारे में बताया ना, आज मैंने फाइनलाइज कर देना ऑन पेज एसईओ को क्योंकि यार सबकी कंप्लीट हो गई भी है ऑन पेज एसईओ। ऐसा ही है जी सर, कल मैंने ऑफ पेज एसईओ के बारे में बताना है और ऑफ पेज एसईओ के थ्रू ही आप ऐसे बिगनिंग वेबसाइट और रैंकिंग वेबसाइट को ऊपर लेके आते हो। ओके सर। अच्छा द क्वेश्चन इज राइज के क्या एआई कंटेंट रैंक हो जाता है? ऑफ कोर्स एआई कंटेंट रैंक हो जाता है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि एआई कंटेंट रैंक नहीं होता, मैंने हमेशा ये कहा कि एआई कंटेंट की जगह अगर आपका कंपेटिटर ह्यूमन कंटेंट है तब आपका कंटेंट को रैंक करने में बहुत मुश्किल होगी। इवन दो कि अगर ह्यूमन कंटेंट अच्छा नहीं है देन आपका कंटेंट रैंक करेगा, समझ रहे हो? क्योंकि जो मैंने पहला ब्लॉग रैंक करवाया था blog.webdiscussions.com पे वो यही कंटेंट ही था। तो सर इस पे तो गूगल एडसेंस अप्रूव है ना सर आपके पास इस वेबसाइट? अप्रूव हो जाता है, यही कंटेंट के ऊपर भी आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है। मुझे लगता है 15 मिनट रह गया ना, मुझे नोटिफिकेशन आया, सर वो मैंने इन्फिनिटी इन्फिनिटी फ्री वाली साइट पे ना वो गूगल एडसन के लिए कहा था, वो कहते हैं पहले अपना जो सा ना ये जो यूआरएल है इसको सही करके लाओ, अच्छा महंगे वाला लाओ। वो आपकी डोमेन ये वाली रेकमेंड नहीं करते, सब डोमेन है नहीं आपकी। जी जी सर। ओके सो बेसिकली अब मैंने ऐड पोस्ट, ऐड अ न्यू पोस्ट, कौन आया सर? नोटिफिकेशन आया था कोई मीटिंग के लिए आया। ओके एनी हाउ कंट्रोल वी, अब देखो अब ये पूरा एआई कंटेंट है मैंने स्पिन राइटर से रिराइट ही है किया ही नहीं, पता है क्यों? क्यों मैंने रिराइट नहीं किया? क्योंकि इंटरनल लिंक्स लगा दी मैं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके सवाल का आंसर चाहिए सब आप सब लोगों से। इसके ऊपर मैंने जो है वो सर इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं आ रही। नहीं आपने ना 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 ना, ना आपने चैट जीपीटी को बोला था ना ह्यूमनाइज करके ही, तो इस वजह से। एक तो ये भी रीजन है लेकिन अभी भी इसके अंदर एआई डिटेक्शन है। रीजन 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 मेन रीजन पता क्या है? उसके पास कॉम्पिटिशन नहीं है कीवर्ड के ऊपर, जीरो एससीआरपी है, चार पांच वेबसाइट रैंक कर रही हैं सिर्फ, ये रीजन है, समझ रहे हो? हाँ अकेले मैदान में कुछ भी कर ले। हाँ दैट्स द रीजन। अब इसके मैं इसी ब्लॉग के जो है ना एक्सटर्नल लिंक्स आपको बना के दिखाऊंगा, अभी फिलहाल मैं इसके एसईओ कर लूंगा। ठीक है, सो
नेक्स्ट कल का लेक्चर किसी ने मिस नहीं करना, अभी कोई क्वेश्चन था तो हमें से वो पूछा तब तक मैं इसके आंसर कर लेता हूँ। उधर भाई एक रिक्वेस्ट है, कल शुरू करवा दीजिएगा, दो दिन पेंडिंग हो गए। देखो मैंने सबको ना साल लेकर चलना है। नहीं नहीं वो सही है आपकी बात, मैं इसको वो नहीं कह रहा, बस कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ जब तक सब क्लियर ना हो जाए मैं आगे ना बढ़ूँ। इंटर्नशिप में आप सब लोग एक दूसरे की मदद किया करते हो, दैट्स वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग सब इसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। इसी वजह से सबको साथ लेके चलने में जो है ना मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बिलीव करता हूँ। ओके अब सबके ओवरऑल अच्छी चल रही सर इंटर्नशिप ना, मतलब ये लर्निंग प्रोसेस अच्छा चल रहा है, इसमें काफी सारी चीजें लर्न करने को मिली। ओके सो अब आपने आपको पता लग गया है ना किस तरीके से ऑन पेज एसईओ होती है कंप्लीट। अब यार है मीटिंग में ज्वाइन कर रहा है कोई, कौन आया हुआ गुजार, इतना लेट आए हो आप, तो मीटिंग एंड होने वाली है, मुझे तो नोटिफिकेशन भी आ गया था। ओके सो जी जी सर फिजिकल क्लास होती तो क्लैपिंग करते हैं, अभी तो है ही नहीं फिजिकल क्लास। ओके एनी हाउ अब आपने क्या करना है कि सबके ब्लॉग्स हो गए हुए हैं, अब किसी ब्लॉग के अंदर कोई मसला तो नहीं है सर? मुझे इशू है थोड़ा सा। कौन कौन सा इशू, मैं पहले बताया क्यों नहीं सर? वो आज इतना इंटरेस्टिंग समझा रहे थे तो मैंने बोला पहले ये समझ लेते हैं। इश्यूज क्लियर करने के बाद ही मैंने ऑन पेज ऑफिस एसईओ स्टार्ट करने थे। अब इशू एक्सप्लेन करो जल्दी जल्दी, मैं आपका इश्यूज क्लियर कर देता हूँ। सर मैंने अभी जो लास्ट ब्लॉग लिखा हुआ है उसको उसको इशू आ रहा है मुझे। ये वाला? हाँ जी ये वाला। ओके सर इसके ऊपर क्या इशू आया? सर इसकी जो व्यूअर की डेंसिटी है ना वो मैं मतलब पूरी नहीं कर पा रहे। हाँ कीवर्ड ही ऐसा है इसकी डेंसिटी कंप्लीट करना ही बड़ा मुश्किल है। हाउ टू इंक्रीज इंश्योरेंस एजेंट प्रोटेक्टिविटी। अगर मैं डेंसिटी कंप्लीट करता हूं तो ऐसा लगता है वो मैंने जबरदस्ती कीवर्ड जो है ना वो इसके अंदर कीवर्ड हाउ टू इंक्रीज है कि इंक्रीज इंश्योरेंस एजेंट प्रोडक्टिविटी। हाउ टू इंक्रीज इंश्योरेंस एजेंट प्रोडक्टिविटी प्रॉपर्ली कि मैंने ये कीवर्ड लास्ट टाइम जब चेक किया था तो इसके ऊपर आ रहा था इंक्रीज एजेंट इंक्रीज इंश्योरेंस एजेंट प्रोडक्टिविटी। इन कीवर्ड्स की डेंसिटी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, हाउ टू लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है जी। एक दफा मेरा के नाम में ब्लॉग चेक कर देंगे? मैं आपको ब्लॉग चेक कर लेता हूँ। सो आपका जो मेन टाइटल है, टाइटल क्या रखा हुआ है इसका? जस्ट ये होना चाहिए आपका टाइटल, सिर्फ ये होना चाहिए, बाकी सब को छोड़ दो। टाइटल सिर्फ ये है, समझ गए? समझ गया। इसके बाद अब हम पर डेंसिटी कंप्लीट करनी है किसी तरीके से इसकी। यूआरएल कितना लॉन्ग है? तेरी यूआरएल में टू, इसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने ब्लॉग लिखा होगा। टू जब आता है ना इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये यूआरएल यूज हुआ हुआ है। टू कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे। हाँ सही, यहाँ पे आता लिखा हुआ, इसका मतलब ऑलरेडी ये कीवर्ड यूज हुआ हुआ है। जब भी सॉल्यूशंस पे हुआ हुआ या वैसे हुआ हुआ?
नहीं नहीं ये कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ, यू हैवन यूज दिस फोकस, नहीं नहीं माइट बी शक यू यूज रॉन्ग, यूज़ नहीं हुआ वो। अरे यूआरएल जब भी आ रहा है ना एरर ऊपर यूआरएल का कीजिएगा, एरर नहीं आ रहा ये देखो, ये नीचे 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 गए सर, यूआरएल यहाँ इज पे लॉन्ग, 7 कैरेक्टर लॉन्ग। लॉन्ग है ना, इसको रहने देखो, कोई मसला नहीं है। बाकी अब हमने इसको ठीक करना है। इसमें एजेंट का जो वर्ड है वो मैं सर्च कर रहा था, वो आई थिंक 20 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है एजेंट का वर्ड ना, उस पर अगर मैं स्टार्टिंग से लिख दूँ उसके आगे हाउ टू प्रोडक्टिविटी ऑफ एजेंट, तो वो ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती जो है वो हाउ टू इंक्रीज इंश्योरेंस एजेंट, आगे पूरा प्रोडक्टिविटी। लिख दो ना आगे। सर लाहौर आए तो आपसे मुलाकात की टाइमिंग क्या हो सकती है सर, कितने बजे तक उस ऑफिस टाइम में अगर मैं अवेलेबल आ होते जाऊंगा हैं? कोई मसला नहीं है, आप आ जाना एनी टाइम। ओके सर, ओके, थैंक यू। ये क्या किया भाई, ये ये प्रॉपर पूरा टाइटल मैंने हमेशा कहा था दिखाया आप ये यूज किया करो उसके बाद। परसेंटेज, टाइटल परसेंटेज का मुझे पता नहीं था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ 81 हो गए, जी सर, 89 हो गए सर, ये 81 पे भी रैंक हो जाता है आर्टिकल 80 80। जहांगीर बहुत अच्छा था इस पर ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ऑन पेज एसईओ में वो 95 तक लेके जहांगीर नहीं जाता था। आया इस इंटर्नशिप के हाँ अंदर, वो नहीं आया सर, वो माइट भी शायद तो बिजी हो। ओके सो एनी हाउ हो गया भाई, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं इसको इंक्रीज इसके अंदर। सही हो गया सर। ओके सो इसको आपने जो है ना वो अपडेट पब्लिश कर दिया, बता पब्लिश मैंने कर दिया हुआ था, अभी टी से बब होना फिर पब्लिश करना सबने। ड्राफ्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था मेरे पास, डायरेक्ट सिर्फ पब्लिश का कहाँ पे ऑप्शन आ आ रहा रहा था। होता है ड्राफ्ट का ऑप्शन, आ रहा होता है एनी हाउ, कोई मसला नहीं। अच्छा बाकी किसका रह गया, ये देखो ना ये आ रहा है इस तरह से। सही, अच्छा ये अच्छा ये तो मेरा ही ब्लॉग है। ओके सो बाकी किसका कोई ब्लॉग रह गया मुझे बताओ, क्लास ख़त्म होने वाली है तो ये जो मैं अभी ब्लॉग लिख रहा हूँ ना, कल मैंने इसकी ऑफ पेज ऐसी स्टार्ट करनी है, ठीक है सर। ठीक है अभी किसी को रह गया तो मुझे बताओ। भाई मेरे उसमें मसला आ रहा है कि ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड कोई कीवर्ड दें, कौन सा ये वाला? सर ये कौन सा वाला नाम है सर मैं बताती हूँ, द पावर ऑफ स्टार्टअप एडजेक्टिव्स। क्लास विल एंड इन 4 मिनट्स। इन 2024 लिख दो सर, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे, इसको मैं एक मिनट अपडेट कर देती हूँ फिर आप खोलेगा, मैंने इसकी पिक्चर भी चेंज करी है। अच्छा देखो ना स्मॉल, आप सब ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे परसेंटेज टाइटल ही परसेंटेज लिखा होना चाहिए। मैंने अपडेट कर दिया है यहाँ से अपने पास से, आप इसको रिफ्रेश करके खोल लें तो ये वो सही आ जाएगा, पिक्चर भी सही आ जाएगी। ये चीज़ समझ आई आपको, कहाँ पे इशू आ रहा है जाला? सर ये साइड में ना यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा होता है कि कीवर्ड इसको डेंसिटी बहुत स्ट्रांग कम है, चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी कम है। कीवर्ड ये क्या आ है? रहा है स्टार्टअप एडजेक्टिव्स, जी,
स्टार्टअप ऑब्जेक्टिव्स ये किस में आता है? स्टार्टअप ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, ये किस चीज के लिए वर्ड यूज कर रहे हो आप? कौन सी कैटेगरी में लिख रहे हो? सही है, मैंने बिजनेस के लिए किया था बिजनेस के लिए। जी को चेंज करना है इमेज को, ठीक है? जी ये ठीक है, ये होती है रेक्टेंगल में, देख रहे हो, डिस्प्ले साइज कहते हैं इसको। एनी हाउ यूज कर लिया, मसला कोई दो दफा एक ही इमेज यूज नहीं करनी ब्लॉग में, ये दो दफा यूज हो रही है, ये भी और ये भी, ये अलग है अलग सर है। दोनों। जी चलो ठीक है, मुझे लगा सेम। ओके एनी हाउ बाकी ठीक है। डेंसिटी पूरी करनी है आपने इसके अंदर, डेंसिटी तो सर आ रही है 85 के करीब आ रही है। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी सर 84 आ रही है। अब ये कीवर्ड डेंसिटी मुझे समझ में नहीं आ रहा ना सर, क्या है ये? सर क्लास खत्म में 2 मिनट रह गए और सर दूसरा। ओके सर एक मिनट ठहरो जरा। ये पावर वर्ड जो कह रहा है, ऐड पावर पावर वर्ड। वर्ड को भी छोड़ दो, कीवर्ड डेंसिटी पूरी नहीं की, 0.34 है, 84 नहीं है, 0.34 है, देख रहे हो? ओके सर ये क्या है, क्या ये थोड़ा सा आपका जो समझाएं कीवर्ड है ये कंटेंट में यूज नहीं हो रहा है इतनी दफा, एटलीस्ट ये तकरीबन को 5 7 से 8 दफा यूज होना अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड लेंथ। कंट्रोल एफ सर मैंने तो बहुत सारी जगहों पे ऐड किया है ये, आप कंट्रोल एफ करके देंगे फाइंड करके। टाइटल में है, उसमें है ये जी। स्टार्टअप एडजेक्टिव ये वाला पूरा यूज करना है, एडजेक्टिव्स है आपका कीवर्ड, एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है? जहाँ पे स्टार्टअप एडजेक्टिव लिखा ना उसको एडजेक्टिव्स करो। ओके जी कीवर्ड हो जाएगा सही, बाकी इसको ठीक कर लेंगे। कॉल करने लगी, अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज हाफिज।